ट्रेलर तो बहुत अच्छा था मूवी का। अभी स्टार्टिंग है तो ट्रेलर से पता लग रहा है कि मूवी काफ़ी फनी और अच्छी है। लाइक OMG 1 जो थी, ये तो OMG 2 का ट्रेलर था ना, OMG 1 भी काफ़ी सुपर डुपर गई थी और वो भी मूवी अच्छी थी, वो मैंने देखी थी। लॉर्ड शिवा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड ऑफ इंडिया और इनके कुल 9 अवतार हैं जिनमें से कृष्ण भगवान भी हैं, जो कि कह लेंगे काफ़ी फेमस है, लॉर्ड शिवा से भी ज़्यादा उनको वो क्लैरिफाई किया जाता है। तो आई थिंक सो कि इनसे वो कोई पावरफुल पर्सन होना चाहिए था जो कि बिल्कुल डिपिक्ट करा था कि लॉर्ड शिवा एग्जैक्टली ऐसे ही रियलिस्टिक तौर पर नजर आते हैं। तो आई थिंक सो अक्षय में वो थोड़ा सा ग्लिम्प्स मिस हुआ। अक्षय कुमार का गेटअप कैसा लगा? हाँ, देट वॉज अ वेरी काइंड ऑफ चेंज्ड गेटअप दैट वी हैव सीन फ्रॉम प्रीवियस मूवीज ऑफ अक्षय कुमार, कि वो बहुत एक फनी टाइप हमें नज़र आता था, लेकिन अभी जो है उनको थोड़ा सा बहुत रिलीजियस करेक्टर दिया हुआ है, तो दैट वॉज अ वेरी चेंज। तब आते हैं कह लें कि लोगों को बचाने के लिए जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैंने कार्टून्स भी बहुत देखे हैं इनके। अच्छा, आपने इनके कार्टून्स भी देखे, यानी ये आपके फेवरेट हैं? हाँ, फेवरेट हैं, क्योंकि इनकी एक बहुत पावरफुल कह लें कि इनका एक एजप्शन माना जाता है, एंड स्पेशली जब ये तांडव करते हैं वो म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं तांडव को हमेशा देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम OMG 2 मूवी के ट्रेलर पर जानेंगे पाकिस्तानी आवाम के रिएक्शन। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गदर 2 और OMG 2 मूवी तकरीबन एक साथ साथ रिलीज़ होने वाले हैं और दोनों मूवीज़ के दरमियान कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। कुछ दिन पहले हमने गदर 2 पर पाकिस्तानी आवाम के रिएक्शन जाने थे और आज हम OMG 2 पर पाकिस्तानी आवाम के रिएक्शन जानेंगे। तो आइए, चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर। उमर, क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ यूनिवर्सिटी में। क्या पढ़ रहे हैं? मैं IT कर रहा हूँ। मूवीज़ देखते हैं? हाँ, देख लेते हैं, मूवीज़ देखते हैं। इंडियन मूवीज़ देख लेते हैं, इंडियन मूवीज़ बेस्ट होती हैं। अच्छा, ज़्यादा शौक से देते हो? ज़्यादा भी नहीं लेकिन कम भी नहीं, देख लेते हैं लेकिन। अच्छा, अक्षय कुमार की एक नई मूवी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली, इसका ट्रेलर अभी रिलीज़ हुआ है, OMG 2। मैं चाहती हूँ आप इस मूवी का ट्रेलर देखें और अपनी राय का इजहार करें। श्योर, देखते हैं, दिखाएँ। जो काफी अच्छे एक्टर हैं वैसे। जी, वैसे इस ट्रेलर में वीडियो तो दिखा देते हमें भी, कैसे क्या है, सस्पेंस क्या रह जाता। वो ही तो मैं भी सोचूं कि सस्पेंस खत्म हो। महाराज, अब आप ही आके राह विवेक की रक्षा करो। अक्षय कुमार की एंट्री, वो आ गए हैं। मुझे सोच कर भी शर्म आ रही है, आप अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? कहीं 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 गलत करते हुए पाए गए। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, आप खड़े होके आपत्ति है बोलिए। खड़े होके? और खड़े हो तो? नहीं कि खड़े हैं तो खड़े ही हैं, खड़े होके ऑब्जेक्शन बोलिए। खड़े खड़े आपत्ति है महाराज। जिस सनातन धर्म के चार स्तंभ है उन्हें आप अश्लील कह रही हैं। आप मुझे सारी दुनिया के सामने क्यों नंगा खरीद रहे हो? कि जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। महाराज, तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना। इन दैट केस आपको एजुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था ना, स्कूल पर नहीं। आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती से। आप अपाहिज हो गए महाराज, आप चालक पे केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर? तुम भी रखो विश्वास, क्योंकि तुम हो शिव के दास। नहीं, शिव के पास। हर,
क्या प्रकार है भाई ये? कचोरी। चलो चलता हूँ जी। ओ भाई पैसे दो। ये सॉन्ग अच्छा है, मैंने दो तीन दफा सुना। आशीर्वाद नहीं, म्यूजिक बड़ा जबरदस्त, म्यूजिक बहुत अच्छा है। उमर कैसा लगा ट्रेलर? ट्रेलर तो बहुत अच्छा था मूवी का। अभी स्टार्टिंग है तो ट्रेलर से पता लग रहा है कि मूवी काफी फनी और अच्छी है। लाइक OMG 1 जो थी, ये तो OMG 2 का ट्रेलर था ना, OMG 1 भी काफी सुपर डुपर गई थी और वो भी मूवी अच्छी थी, वो मैंने देखी थी। क्या कहेंगे इस मूवी के अकॉर्डिंगली, आपको क्या लगा इस मूवी में, क्या दिखाने की, क्या बताने की कोशिश की जा रही है इस मूवी में? वो यही बता रहे हैं कि अक्षय कुमार के बारे में बता रहे हैं कि वो, अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू अदर मूवीज लाइक पाकिस्तान में मूवीज बनती हैं, देखा जाए तो वो अपने धर्म को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको माना जाता है, उनका जो उनके राइट्स हैं और हर चीज़ को वो बहुत तरीके से देखा जाता है। लाइक हमारे पाकिस्तान में इसी वजह से मूवीज़ वगैरह इतनी जाती नहीं, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो अपने राइट्स पर पूरी नहीं होती इस वजह से। और वो अक्षय कुमार हैं, उनकी जो लाइक पाकिस्तान इंडिया की जो मूवी थी पठान, वो भी काफ़ी हिट हुई थी, वो इसी वजह से, क्योंकि वो अपने उनके जो राइट्स वगैरह उन पर वो पूरे उतर रहे थे। और इस मूवी में भी इसी तरह है। अक्षय कुमार, मेरा ख्याल उन्होंने इस मूवी में लॉर्ड शिवा का गेटअप किया हुआ है, उनका गेटअप कैसा लगा? उनका गेटअप बहुत अच्छा था अगर देखा जाए तो। कैसा लगा ट्रेलर? अच्छा है, बस अच्छा है। हाँ ठीक है, इतना मतलब कि कह लें कि जेनरली बोलूँ तो नॉर्मल ही है ट्रेलर, इट्स गुड। अच्छा मुझे ये बताएं, अक्षय कुमार का गेटअप आपको कैसा लगा इस मूवी में? अक्षय कुमार को मेरा ख्याल है लॉर्ड शिवा का गेटअप दिया गया। वैसे उनके मैं अवतार की बात करूँ तो बिल्कुल उनको सूट नहीं किया, और इस इनकी जगह पर एक और आते हैं लॉर्ड शिवा, एक इंडियन सीरियल में मुझे उनका नाम भूल गया, उनको बहुत सूट करता है वो मेन जिनका करेक्टर है, क्योंकि लॉर्ड शिवा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड ऑफ इंडिया, और इनके कुल 9 अवतार हैं जिनमें से कृष्ण भगवान भी हैं, जो कि कह लें कि काफ़ी फेमस है, लॉर्ड शिवा से भी ज़्यादा उनको क्लैरिफाई किया जाता है। तो आई थिंक सो कि इनसे वो कोई पावरफुल पर्सन होना चाहिए था जो कि बिल्कुल डिपिक्ट करा था कि लॉर्ड शिवा एग्जैक्टली ऐसे ही रियलिस्टिक तौर पर नज़र आते हैं। तो आई थिंक सो अक्षय में वो थोड़ा सा ग्लिम्प्स मिस हुआ है। सही, चलें मूवी आएगी तो पता चलेगा कि अक्षय कुमार ने अपने रोल को कितना बेटरली परफॉर्म किया। अच्छा हमने इस मूवी में देखा कि सनातन धर्म पर बात की जा रही है, क्योंकि वो जो लड़के के फादर हैं वो भी सनातन धर्म पर बात करें, और हमने अक्सर देखा है कि इंडिया सनातन धर्म पर अक्सर बात करते हुए, इसे प्रमोट करते हुए नज़र आता है। देखिए जाहिर सी बात है कि जो चीज़ आपके रिलीजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आप उसको इंपॉर्टेंस देंगे तो डेफिनेटली सी बात है आप उसको प्रमोट भी करेंगे। अगर आप डिफरेंट रिलीजन्स की बात करें, उसमें सिखिज़म आता है, उसमें जुडिज़म आता है, जो कि टॉप 5 कह लेंगे सबसे ज़्यादा फॉलवर्ड रिलीजन्स हैं, जिसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम ये सारे हैं, तो आपकी आपके रिलीजन में हर एक चीज़ ऐसी होगी जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंस देते होंगे, तो वो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आई थिंक कि मूवी भी इसी चीज़ पर ही बनी हुई है कि उस बच्चे ने कुछ चीज़ डिपिक्ट की है बेसिकली, कि जो कि गलत की जा रही होगी उनके स्कूल के अंदर। तो बेसिकली जैसे उस लड़की ने बात की, यामी गुप्ता ने बात किया कि आप एजुकेशन को दोष ना दें, आप सिर्फ उसे जाके चैप्टर को दोष दें, तो बेसिकली आई थिंक सो कि उनके रिलीजन पे कुछ ऐसा नुक्ताचीनी कर दी गई है, जिसकी वजह से इस पूरी मूवी को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि किस तरह से जो लॉर्ड शिवा हैं वो खुद आए हैं उस बच्चे को सेव करने के लिए। क्योंकि उनका जो भक्त है उसे बड़ा पक्का यकीन था कि मेरे जो बच्चे को है लॉर्ड शिवा ही बचा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद इसीलिए उन्होंने अब किसी गेटअप में उनको भेजा है या वो खुद आए हैं, ये तो अब मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। आपको क्या लगता है इस मूवी के थ्रू क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, इस मूवी में क्या होने वाला है? देखिए सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक मैसेज कन्वे किया गया है कि आपको अगर किसी चीज़ को कह लें कि हासिल करना है तो उसकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। ठीक है, आप एक सच्चे भक्त हों, आप एक सच्चे कह लें कि उनके लाइक अगर हम बात करते चलें क्रिश्चियनिटी में, एक थे उनका नाम था सुंदर सिंह साधु, वो भी कहते थे कि जब तक मुझे खुदा नज़र नहीं आएगा मैं बिलीव नहीं करूँगा उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जी आज मैं एक्सीडेंट करवा के छोड़ूंगा अपना, अगर वो मुझे बचाएंगे तो मैं क्रिश्चियनिटी पर बिलीव करूँगा। तो डेफिनेटली वही हुआ, वो सच्चे भक्त नज़र आया, वो उनके सामने आए कह लें कि जीसस क्राइस्ट, उन्होंने क्लेम किया कि येस वो एग्जिस्ट करते हैं। अब लॉर्ड शिवा की बात कर लें आप, उसमें भी वही बात नज़र आई कि उन्होंने कहा कि अब जो मेरा बच्चा है मैं उसको नहीं बचा सकता, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त हूँ, तुम मेरे सामने और मेरे बच्चे को बचाओ, और वो आए हैं। और डेफिनेटली मतलब कि देखिए एक कनेक्शन बिल्ड होता है रिलीजन का और कह लें कि इंसान का। अब जो इंसान है वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता, अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं जाहिर सी बात है वो अपने मानने वाले पर डालेगा कि मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ, मैं तुम्हें इतना मानता हूँ, तो तुम ही नीचे आओ, तुम ही मुझे बचाओ। तो लॉर्ड शिवा उसको सेव करेंगे, एंड साथ में एंड पे जो मैसेज कन्वे होगा वो इस क्लिप के अंदर ही है, कि वो बेसिकली बताएंगे कि इस क्लिप में एक्चुअल चीज़ क्या है। क्योंकि एक चीज़ तो बहुत वाजह नज़र आ गई है कि जी जो लॉर्ड शिवा के भक्त हैं वो कभी भी कह लें कि नाकाम नहीं होते किसी मोड़ के ऊपर भी, एंड उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है इस चीज़ को लेकर। सिद्रा सनातन धर्म के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको, मतलब लाइक मैं ट्रेलर देख कर आई थी और मैंने सोचा था इस ट्रेलर पर लोगों की राय लूँगी, लेकिन आप इसके बारे में इतना कुछ जानती हैं, क्या सीन है?
स्टडी किया हुआ है यार, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मैंने एथिक्स पढ़ा हुआ है और एथिक्स के अंदर आप सारे रिलीजन को स्टडी करते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान में ये पढ़ाया जाता है, करवाया जाता है? ये पाकिस्तान में एक सब्जेक्ट है जो कि नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको टीच किया जाता है, कि ये बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें आप सिखिज्म स्टडी करते हैं, यहूदियत को स्टडी करते हैं, इस्लाम को स्टडी करते हैं, क्रिश्चियनिटी स्टडी होती है और बुद्धमत स्टडी किया जाता है। तो इसके थ्रू जानना है कि इंडियंस किस किस्म के हैं और जो लॉर्ड शिवा है, ये सारे उनके जितने भी भगवान आते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक गणेश हो गए हैं, उसके बाद उनके लॉर्ड शिवा हैं, कृष्ण भगवान हैं, ये सारे ये उनके 9 अवतार हैं टोटल, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और वो तब आते हैं कह लें कि लोगों को बचाने के लिए, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैंने कार्टून्स भी बहुत देखे हैं इनके। अच्छा, आपने इनके कार्टून्स भी देखे, यानी ये आपके फेवरेट हैं? हाँ, फेवरेट हैं, क्योंकि इनकी एक बहुत पावरफुल कह लें कि इनका एक एजप्शन माना जाता है, एंड स्पेशली जब ये तांडव करते हैं वो म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं तांडव को हमेशा देखती हूँ। इनके पीछे जिन्होंने वो तांडव, आई थिंक सो, वो जो गाया है ना, उनका नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया, वो एक बहुत बड़े एक्टर हैं, तो बड़े आप इनका तांडव लाजमी सुनना, आपको भी ऐसा पता चलेगा कि जो इंडियन कल्चर है या जो इंडियन रिलीजन है वो कितना कलरफुल है और कितना अच्छा। इधरा आपके इर्द गिर्द और मेरे इर्द गिर्द जितने लोग खड़े हैं ना, वो हमें देखकर हैरान और परेशान हो गए हैं कि हम सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म पे बात कर रहे हैं और आप इतने खुलम खुला यहाँ पार्क में खड़े होकर, मतलब लाइक मुझे आज तक वाकई में यही कॉन्सेप्ट था कि शायद हमें इस्लाम के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, इसके अलावा हमें किसी मज़हब के बारे में कोई स्टडी नहीं करवाई जाती, लेकिन आई एम शॉक्ड ये जानकर कि पाकिस्तान में ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जहाँ पे आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में पढ़ाया जाता है। और यकीन करें, आज मैं आपसे बात करके बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ कि आप इतना कुछ जानती हैं, और मुझे यकीन है वो लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी हैरान और परेशान हो गए होंगे आपकी बातें सुनकर, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अगर आप क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में ही पता होना चाहिए, इस्लाम से बिलोंग करते इस्लाम के बारे में पता चाहिए, आपको बाकी मज़हबों के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह से अपने मज़हब को कह लें कि प्रेफरेंस देते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस देते हैं, वो किस तरह से उनको सेलिब्रेट करते हैं। आप अब ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये सारी आप कह लें कि एथिक्स में स्टडी की हुई हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि किस तरह से उनकी प्रेयर के क्या टाइम होते हैं, जिस तरह से कह लें कि आप उनकी जो दिवाली कह लें, होली कह लें, उनके जितने भी ये त्यौहार वगैरह वो सेलिब्रेट होते हैं, सारी उन्हीं बुक्स के अंदर मेंशन होते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से सेलिब्रेट की जाती हैं। एंड इनकी जो कह लें कि बाकी जो गॉडेस हैं, फीमेल गॉडेस हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, जैसे कि उनमें से एक आती हैं जो काली माता है, उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल कंसिडर किया जाता है, फिर पार्वती हैं, मतलब डिफरेंट आ जाती हैं उसके अंदर, एंड कह लें कि एक बड़ा ज़बरदस्त लुक देती हैं वो, और एक स्ट्रॉन्ग, और इंडिया वैसे भी कहते हैं कि जो बेटियाँ होती हैं उनको लक्ष्मी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो फीमेल गॉडेस को बहुत मानते हैं, तो उनकी एक लक्ष्मी भी है जिसकी बिहाफ पे लोग उनका नाम, क्योंकि वो कहते हैं कि जो बेटी पैदा होती है आपके घर में एक धन दौलत वगैरह भी आती है साथ में ही, तो ये काफ़ी कह लें कि इंटरेस्टिंग बातें होती हैं इंडियन रिलीजन से, उनके कल्चर से रिलेटेड, तो पढ़ने में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। कैसा लगा ट्रेलर? ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर हम इसके ओवरऑल क्रक्स के बारे में बात करें तो वी कैन कंक्लूड डैट कि ये प्राइमरीली ये दो जनरेशन का गैप बताया हुआ था। किस तरह उन्होंने बताया था कि जो हमारी पुरानी जनरेशन थी जिनके पास इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी हमारे पास अपना मैस मीडिया की, और आज की जनरेशन जिनके पास सारी एक्सेसिबिलिटी है, तो इन दोनों में गैप बताया हुआ था बेसिकली कि वो किस तरह एक चीज़ को देखते हैं। मतलब जिस तरह आजकल के मतलब हम स्टेटस्को में देखें तो चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है, मतलब जिनको पहले वल्गर समझा जाता था, तो सबसे पहला तो ये थीम था कि इनका जनरेशनल गैप था। और ये भी हम तुक्का लगा सकते हैं, मैं कंफर्म नहीं पता क्योंकि ये ट्रेलर है। यस, हाँ, एज फॉर एज आई गेट फ्रॉम दैट ट्रेलर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि ये पहला मेरा आइडिया था जो कि मैंने परसीव किया। अगर नंबर दो हम जाएँ तो इसमें जिस तरह हाँ साफ नज़र आ रहा है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की भी बात की हुई है कि हम इतना रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि हम जो है सोसाइटी में मतलब एक्सेप्टेंस जो है हमारी दूसरे व्यू पॉइंट्स की वो बहुत कम हो जाती है। तो ये मुझे दो चीज़ें नज़र आई हैं जो कि मैंने इससे परसीव की हैं। इस अक्षय कुमार को इस मूवी में लॉर्ड शिवा का गेटअप दिया गया, अक्षय कुमार का गेटअप कैसा लगा? हाँ, देट वॉज अ वेरी काइंड ऑफ चेंज्ड गेटअप दैट वी हैव सीन फ्रॉम प्रीवियस मूवीज ऑफ अक्षय कुमार, कि वो बहुत एक फ़नी टाइप हमें नज़र आता था, लेकिन अभी जो है उनको थोड़ा सा बहुत रिलीजियस करेक्टर दिया हुआ है, तो दैट वाज अ वेरी चेंज थिंग। क्या लगता है अक्षय कुमार इस मूवी में अपने गेटअप को जो या उन्हें करेक्टर दिया गया उस अच्छे से निभा पाएंगे? यस, हाँ, एज फार एज दिस ट्रेलर कंसर्न
तो ये ऐसे ही डिपिक्ट करता है कि ये तो मतलब बहुत अच्छा करेक्टर निभा पाएंगे क्योंकि वो बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं जहाँ तक मुझे लगता है, तो वो मतलब कर सकते हैं। दैट्स नॉट इस मूवी में सनातन धर्म को लेकर बात की जा रही थी, ट्रेलर में दिखाया गया, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंडिया अपने धर्मों को अपनी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हुआ नज़र आता है? जैसे OMG 1 भी थी, अब OMG 2 आई, इसके अलावा सलमान खान ने भी कई इस तरह की मूवीज़ में काम किया हुआ है जिसमें उन्हें भगवान की तरफ से इशारे मिलते हैं लोगों के साथ, और ये कनेक्टिविटी भगवान और इंसान के दरमियान दिखाई गई है। मोस्ट इनकी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि भगवान और इंसान आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं जिनसे वो करना चाहें। यस, हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपना जो है रिलीजन को प्रमोट किया है, और मेरे ख्याल में रिलीजन को प्रमोट करने के लिए हमारे पास जो टूल होता है वो मैस मीडिया का है मॉडर्न वर्ल्ड में, और करना भी चाहिए, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस से क्या मुराद है कि उससे जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो हमारे पास दूसरे ग्रुप्स हैं, उनकी रिलीजियस फ्रीडम है जो उनको हम हिट ना करें। तो अभी तो ट्रेलर है, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस के क्या उन्होंने क्या उनका आइडिया था इसके पीछे प्रमोट करने का। हाँ, अगर उन्होंने इसको पॉजिटिव सेंस में लिमिटेशंस में रह के उन्होंने प्रमोट किया तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लाइक नो वन कैन। डेफिनेटली ट्रेलर में यही लग रहा है कि पॉजिटिव वे ही बताया गया है कि जिस तरह वो इनका बेटा जो है वो किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अपने भगवान से जो है लॉर्ड शिवा से मदद मांगते हैं क्योंकि उनके भक्त हैं, कि हमारी मदद की जाए, हमें इस मुश्किल हालात से, मेरे बच्चे को इस मुश्किल कड़ी से निकाला जाए। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखी गई है कि हमारे क्रिश्चियन स्कूल्स के अलावा हमारे आम इंस्टीट्यूट्स में इस्लाम के अलावा किसी धर्म किसी मज़हब के बारे में एजुकेशन नहीं दी जाती। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट है एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ पाकिस्तानी एज अ स्टूडेंट? हमें तमाम धर्मों के मुताबिक बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, उनके बारे में बताया जाना चाहिए ताकि हमें पता तो चले कि उनका धर्म उनका मज़हब कहता क्या है। ये चीज़ सिर्फ क्रिश्चियन स्कूल्स में ही क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अगर हम सोशियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है उसमें देखें तो सोसाइटी में हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट कर रही है शुरू से। एक थीसिस होता है, एक हमारे पास एंटीथीसिस होता है। इससे क्या मुराद है कि हमारे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और इस उसका कॉन्ट्राडिक्ट होता है उसको जनरेट करने के लिए, और एंड पे ही हमारे पास एंटीथीसिस आगे बनता है जिससे एक बेहतर चीज़ जिसमें सोसाइटल एक्सेप्टेंस होती है हर इंडिविजुअल की होती है वो हमारे पास चीज़ आ जाती है। हाँ, आप सही कह रही है, पाकिस्तान में जो है हमारे पास शुरू से ही आई गेस क्योंकि फॉर्चुनेटली वो हमारा जो कंट्री है वो इस्लाम के नाम पे ही आज़ाद हुआ था, लेकिन इसको मिस इंटरप्रेट किया हुआ है कि जिस ये आइडिया तो नहीं था हमारे फाउंडर्स का कि हमें इसमें एक्सेप्टेंस नहीं देनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है और इसमें हमारे पास डिफरेंट व्यू पॉइंट नहीं है हमारे पास, जिसकी एक रीज़न ये भी है कि हमारे स्कूलों में इस तरह किया जाता है। हाँ, करंट स्टेटस को में अगर हम देखें तो जो हमारे पास इसकी स्टेट लेवल पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो वो मैं ये कहूँगा कि नेशनल करिकुलम जो आया, सिंगल नेशनल करिकुलम, उसमें भी यही प्रमोट करने की कोशिश की गई है कि जो हमारा मुसलमानों का ही जो हमारा रिलीजन है इस्लाम है उसी को प्रमोट किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसको करना चाहिए क्योंकि यही हमारे पास टूल्स होते हैं सोसाइटी में जिससे हम अपने अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं या अपनी वैल्यूज़ को प्रमोट कर सकते हैं। और इसी वजह से तो हमारे जो स्टूडेंट हैं या हमारी जो यूथ पढ़ लिख कर निकल रही है उन्हें ना तो हिंदू धर्म के बारे में सही से पता है ना ही अनफॉर्चुनेटली इस्लाम के बारे में पता है। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें इस चीज़ को ज़रूर मलहूज़े खातर रखना चाहिए क्योंकि जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था अपनी डिस्कशन का रिलीजन पे, तो वो ज़रूर हमें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी लेके चलना चाहिए ताकि हमारे अंदर सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस आए सोसाइटी में, एक्सेप्टेंस आएगी हमारे पास वायलेंस कम होगी। हाँ, ये हम सिर्फ पाकिस्तान को ही क्लेम नहीं कर सकते, हमारा जो इंडिया साथ है जिसका आप ट्रेलर भी दिखा रही थी मूवी का, उसमें भी ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ बहुत पाई जाती हैं और वो भी एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाते हुए अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमारे पास वायलेंट मॉब्स भी उन्होंने काफ़ी गलत काम किए हैं जिस तरह उधर माइनॉरिटीज़ मुसलमान हैं। तो इस तरह ही मतलब हर जगह, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये नहीं होना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के ख्यालात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।